हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज एक और जो है बीएड वालों को एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं और ये इन्फॉर्मेशन जो है काफी उपयोगी होगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका भरोसा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात हम कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप लोग जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी सोची समझी रणनीति के तहत मेरे चैनल को जो है अनसब्सक्राइब करवाया जा रहा है या फिर किया जा रहा है। कुछ शिक्षक अभ्यर्थी या कुछ संगठन हो सकता हो कि इसमें लगे हों, इनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो ताकि इनका मनोबल जो है गिर जाए, टूट जाए और ये वीडियो बनाना बंद कर दें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और जो वीडियो है उनको शेयर करिए ताकि वीडियो जो है हर व्यक्ति तक पहुंचे। आखिर बीएड अभ्यर्थियों को ये पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बीएड वर्सेस डीएलएड का जो केस था उसी की कड़ी में आपके लिए जो है इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। आप कह सकते हैं एक उम्मीद की किरण, एक आशा की किरण आप लेकर के आए हैं और बिल्कुल ये ऐसा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है और ये होना चाहिए और होगा, जरूर होगा। तो इस वीडियो को देखिएगा पूरा, समझने की कोशिश करिएगा। कुछ पॉइंट्स हैं उनको आपके सामने रखने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी भी बात करेंगे, जो विज्ञापन अभी तक निकले हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, आने वाले समय में क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे, एनसीटी के बारे में बात करेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो है पॉइंट है इसमें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर एक चीज यहां पर निकल के आई है कि एनसीटी को केंद्र सरकार ने जो है पत्र लिखा था कि बीएड वालों को जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए शामिल किया जाए और एनसीटी ने एक जो है एकेडमिक पॉलिसी, एक एकेडमिक पॉलिसी कह सकते हैं, एकेडमिक डिसीजन कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं, एक टेम्पररी बेस पे एक एकेडमिक पॉलिसी तैयार की जिसमें यह केंद्र सरकार को उन्होंने बताया कि ठीक है हम इनको शामिल कर लेंगे लेकिन इनको 6 महीने का जो है एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो इनको डीएलएड के इक्विवेलेंट बना देगा या फिर वो 1 से 5 के छात्रों को पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। और उन्होंने अपने एनसीटी के जो लेटर या गजट जो भी निकाला उसमें साफ तौर पर लिखा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो संस्था है जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जो है करती है, पूरा करती है, उसके विचाराधीन होगा, वो चाहेगी तो इस पर विचार कर सकती है कि बीएड वालों को लिया जाए या ना लिया जाए। यानी एनसीटी ने पूरी तरीके से गेंद जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पाले में डाल दी और एक अकेडमिक डिसीजन लेकर के छोड़ दिया जिसके आधार पर आने वाले समय में भर्तियां निकाली गई और भर्तियां कुछ कंप्लीट हुई, कुछ अभी भी चल रही है। तो इसी के अगेंस्ट में जो है राजस्थान में केस किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसको बीएड वर्सेस या डीएलएड केस कहा गया। बिहार में भी ऐसा हुआ था, उसका डिसीजन अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ। तो ये पहला पॉइंट था कि यह एक एकेडमिक डिसीजन था, ना कि कोई पॉलिसी डिसीजन एनसीटी ने लिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है कि यह एक एकेडमिक डिसीजन था, ना कि पॉलिसी डिसीजन, इतना ही कहकर के उसने छोड़ दिया। इसके बाद जो है दूसरा है कि 6 माह का ब्रिज कोर्स जो है एनसीटी ने माना था कि बीएड वालों को योग्य बना सकता है, तो ये आगे भी हो सकता है, अभी हो भी रहा है। तीसरा पॉइंट था, यह फैसला राजस्थान मामले में दिया गया पर बाकी राज्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जो है केस के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कोई उल्लेख नहीं किया कि अन्य राज्यों में जो शिक्षक भर्ती चल रही है प्राइमरी लेवल की, जिसमें बीएड अभ्यर्थी शामिल किए गए हैं 1 से 5 के लिए, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, यह क्लियर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कुछ भी नहीं लिखा है या किसी भी राज्य को, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया है कि यहां पर जो विज्ञापन निकले थे उनको रद्द कर दिया जाए या उसमें से बिहार शिक्षक भर्ती 1 से 5 में से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए, ऐसा कोई ऑर्डर में उल्लेख नहीं किया गया है। पांचवा है, पूर्व में जो विज्ञापन निकाले गए, जैसे बिहार में 2019 की बहाली हुई 6ठे चरण की, फिर 2023 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है निकाली गई है ऑर्डर आने से पहले, इसका एग्जाम भी कंडक्ट किया, कुछ रिजल्ट भी आया, और यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती जो है चल रही थी और ऑर्डर इसके बाद आया, ये पहले से विज्ञापन हो चुका, आधे लोगों का सिलेक्शन हो चुका, आधे लोग अभी वेटिंग में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने या एनसीटी ने ऐसा कोई ऑर्डर, कोई लेटर, कोई नोटिस ऐसा जारी नहीं किया है कि जो पूर्व में विज्ञापन निकाले गए उनको रद्द किया जाए या फिर उसमें से 1 से 5 में से बीएड को बाहर किया जाए, ऐसा कोई स्पष्ट रूप से ऑर्डर में उल्लेख नहीं किया गया है।
इसलिए यहां पर एक आशा की उम्मीद बनती है कि जो पूर्व विज्ञापन निकाले गए हैं उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव बीएड अभ्यर्थियों पर 1 से 5 में शामिल होने को लेकर नहीं पड़ना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार भी इंतजार कर रही है और बहुत सारी सरकारें राज्य सरकारें हैं जो देख रही हैं कि इसका क्या इंपैक्ट आएगा, या एनसीटी से कोई गाइडलाइन जारी होगी या सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन जारी करेगा। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट तो कोई गाइडलाइन जारी नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो ऑर्डर देना था, जो ऑर्डर लिखना था वो लिख चुके। अब जो कुछ लिखना है, जो कुछ देना है, वो एनसीटी को देना है कि ऑर्डर कब से प्रभावी माना जाएगा, किन राज्यों पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पूर्व की जो विज्ञापन निकले हैं उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा या उनको रद्द किया जाएगा, जो भी है। क्योंकि अगर इसका इंपैक्ट पड़ेगा तो काफी बड़ा पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा अभी बताएंगे लास्ट में आपको। अगली चीज कह रहे हैं कि बिहार सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और छात्र हित में जनवरी के लास्ट तक इनको इंतजार कर लेना चाहिए, जनवरी के लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक तक बिहार सरकार को इंतजार करना चाहिए बीएड को लेकर के, और 1 से 5 का जो रिजल्ट है उसको वेटिंग ही रखना चाहिए अभी, और इस बहाली प्रक्रिया को भी अभी जो है वेटिंग में रखना चाहिए, इतनी जल्दी फैसला ना लें, क्योंकि अभी तक एनसीटी से या सुप्रीम कोर्ट से कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है। और अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार चाहे तो एनसीटी को लेटर लिख सकती है कि बीएड को दोबारा से शामिल कर लिया जाए, जिस तरीके से एकेडमिक पॉलिसी या एकेडमिक डिसीजन लेकर के पहले शामिल किया गया था। और ये देखिएगा, जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक से पहले ही ये कहीं ना कहीं एक चुनावी रणनीति, लोकसभा की चुनावी रणनीति के तहत ये शामिल होगा, ये बिल्कुल पक्का होगा। कहीं ना कहीं सब कुछ जो भी चल रहा है कहीं ना कहीं एक राजनीति का हिस्सा है, इसलिए बीएड अभ्यर्थी जो है बिल्कुल परेशान ना हो, निराश ना हो, उनकी जल्दी बीपीएससी टीचर प्राइमरी में 1-5 में जल्दी वापसी होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वापसी होगी और जल्द होगी। बिहार सरकार को भी जो है थोड़ा वेट करना चाहिए, एनसीटी से जब तक कोई गाइडलाइन जारी ना हो जाए, कोई गाइडलाइन ना मिले, तब तक इस बहाली को स्थगित कर देना चाहिए या रोक देना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही कहना था, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन को लेकर के मेरे चैनल पर बहुत ही ज़्यादा एक आप राजनीति कह सकते हैं छात्रों की तरफ से कि इनका किसी तरीके से इनका मनोबल जो है तोड़ दिया जाए, और इनका मनोबल टूट जाएगा तो ये वीडियो बनाना बंद कर देंगे, और जिसका फायदा इन लोगों को मिलेगा, क्योंकि जब कोई बताने वाला नहीं होगा, आवाज उठाने वाला ही नहीं होगा तो लोग करेंगे क्या। तो कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन को लेकर के मेरे चैनल पे एक सोची समझी राजनीति के तहत जो है प्रोसेस किया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, और ये कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स या जो बात मैंने आपको कही है या अपने विचार रखे हैं ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर ही हैं, और उसमें बातें कही गई हैं या लिखी गई हैं, और बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेंशन नहीं है, जिसको या तो सुप्रीम कोर्ट मेंशन करेगा, लेकिन ऑर्डर जब जारी हो चुका है तो मेंशन नहीं करेगा, लेकिन एनसीटी को अब मेंशन करना होगा, एनसीटी को बताना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पूर्व में निकाले गए विज्ञापनों का क्या होगा, उसमें से बीएड अभ्यर्थी बाहर होंगे या इस बार शामिल होंगे, या आने वाली भविष्य की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा, ये एनसीटी को बताना पड़ेगा। इसी के साथ अपना वीडियो जो है समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।